सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मैक निंजा। तो इस ईडीएफ का मैं ऑलरेडी थ्रस्ट टेस्ट कर चुका हूं और उसमें दो अलग प्रोपेलर्स भी प्रिंट करके टेस्ट कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है डायनम कंपनी का EDF। इसका रेटेड थ्रस्ट एज पर द मैन्युफैक्चरर है 1800 ग्राम्स और इसको मैंने परचेस करा था अप्रॉक्स 3300 रुपीस में। तो ये 4S बैटरी तक सपोर्ट करता है। तो इसकी मैंने बेस्ट बाय लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, बट करेंटली ये इंडिया में शिप नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप इसकी स्पेसिफिकेशन से चेक कर सकते हो ना। तो इस वीडियो में मैं EDF का थ्रस्ट टेस्ट करूंगा एक ब्रांड न्यू बैटरी के साथ और इसकी एक एग्जैक्ट रेप्लिका भी डिजाइन करके 3D प्रिंट करूंगा और दोनों के थ्रस्ट को कंपेयर करूंगा, क्योंकि हमारा चैलेंज है एक ऐसा EDF डिजाइन करना जो कि मार्केट के अवेलेबल EDF के कंपैरिजन में सिमिलर परफॉर्मेंस दे। तो ये है इसका CAD मॉडल। इसकी डायमेंशन सिमिलर है डायनम EDF के। तो मैंने इसके पार्ट्स को 3D प्रिंट कर लिया है 0.2 mm लेयर हाइट और 30% इनफिल के साथ। सिर्फ प्रोपेलर ही ऐसा पार्ट है जो कि 0.1 mm लेयर हाइट पर प्रिंट है, ताकि हमको इसमें स्मूथ सर्फेस फिनिश मिले जिससे कि एयर रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो इसको प्रिंट करने में मुझे 5 घंटे लगे थे। तो सारी फाइल्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर आप विजिट कर सकते हो www.themacninja.com। तो चलिए इसके असेंबली को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं यूज करूंगा DYS कंपनी की सनफन सीरीज की मोटर की। ये मोटर 2500 केवी की है। मैं इसको इसलिए यूज करूंगा क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इसको दो अलग मोटर्स के साथ कंपेयर किया था तो इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। हमारा EDF तो हो गया है रेडी। अब इसको माउंट करते हैं टेस्ट रिग पर। तो इसका मैं वेट कैलकुलेट करता हूं। इसका वेट है 121 ग्राम। तो ये मेरी थ्रस्ट टेस्ट रिग। इसमें एक 80 एम्पियर की ESC लगी हुई है। ये सर्वो टेस्टर थ्रॉटल के लिए, ये वॉट मीटर्स हमारे स्पेसिफिकेशंस के लिए, और यहां पर आता है कि स्प्रिंग बैलेंस। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूं। सबसे पहले मैं EDF का आइडियल थ्रस्ट टेस्ट करूंगा। तो आइडियल थ्रस्ट है अप्रोक्स 200 ग्राम्स। अब मैं इसे स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट कर देता हूं। तो अब सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा ये 3S बैटरी को। तो इसको वोल्टेज टेस्ट करते हैं और वोल्टेज है 12.5। तो ये अप्रोक्स फुल चार्ज है। तो इसने मैं फुल थ्रॉटल पे दिया है अप्रॉक्स 265 ग्राम्स। अब हम टेस्ट करेंगे इसको 4S की बैटरी के साथ। तो ये मैंने एक न्यू बैटरी परचेस करी है क्योंकि पुरानी बैटरी से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो ये 4S की न्यू बैटरी है। तो इसका वोल्टेज चेक करता हूँ, 16.7। तो अप्रॉक्स फुल चार्ज है। वाओ, ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड में गया। ये इसने हमें मैक्सिमम दिया था 615 ग्राम्स। तो ये काफ़ी 4S पे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी इसने। तो अब मैं इस 3D प्रिंटेड EDF को रिप्लेस करूँगा इस EDF के साथ और इसका थ्रस्ट टेस्ट करूँगा। तो अब मैं कनेक्ट करूँगा इस EDF को। तो सबसे पहले मैं इसका वेट देखूँगा और ये 196 ग्राम्स। तो इसका मैं आइडियल थ्रस्ट टेस्ट करता हूँ, ये आर अप्रोक्स 295 ग्राम्स। अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस, टेस्ट करने से पहले मैं हमेशा ये सेफ्टी ग्लासेस पहनता हूँ क्योंकि ये किसी भी टाइम ये प्रोपेलर एक्सप्लोड करके हमें लग सकते हैं। तो इसलिए मैं तो ये हमेशा पहनता हूँ और आपको भी हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा अगर आप भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हो या फिर EDF बनाते हो। तो टेस्ट करने से पहले मैं इस पर ये एक वेट रख देता हूँ ताकि ये EDF की वजह से ये जो रह गया हमारी हवा ना हो। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इसका थ्रस्ट टेस्ट इस 3S बैटरी के साथ। तो
और एक साथ जर्क नॉलेज वजह से मैं इसमें इसने हमको मैक्सिमम थ्रस्ट दिया 750 ग्राम्स। अब मैं टेस्ट करूंगा ये 4S की बैटरी के साथ। तो गाइस ये 4S पे इसका जो रेटेड थ्रस्ट था वो अप्रॉक्स 1800 ग्राम्स था, बट मैं चेक करूंगा इसको और आपको काफ़ी कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एयर फ्लो निकलता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई मास फ्लो रेट है और ये बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ के लिए मतलब चीज़ें यहाँ से वहाँ हिला सकता है। मैंने इसको ज़्यादा देर तक टेस्ट नहीं करा और इसने मुझे अप्रॉक्स 1460 ग्राम्स का थ्रस्ट दिया है, तो मैं इसको नोट डाउन करता हूँ और आपको एक लास्ट में एक ऑब्जर्वेशन चार्ट देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 3D प्रिंटेड EDF की। तो इसने 3S पर दिया था 480 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट एन एफिशिएंसी ऑफ 1.61 और 4S पर दिया था 895 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट एन एफिशिएंसी ऑफ 1.52। तो ये जो 895 ग्राम्स थ्रस्ट मिला है ये अभी तक का मैक्सिमम है एक सिंगल प्रोपेलर EDF पर। और अब बात करते हैं 2600 kV के EDF की। तो इसने 3S पर दिया था 1045 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट एन एफिशिएंसी ऑफ 2.2 और 1755 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट एन एफिशिएंसी ऑफ 1.94। तो ये अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें हमको कुछ अप्रॉक्स 1200 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट मिला था क्योंकि मैंने एक पुरानी बैटरी यूज़ करी थी, बट इस बार जो नई बैटरी के साथ इसने हमको अप्रॉक्स 1800 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट दिया था। तो ये मतलब बिल्कुल मैन्युफैक्चर के स्पेक्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो जो दोनों EDF में थ्रस्ट डिफरेंस आया है वो है अप्रॉक्स 860 ग्राम्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं लेकिन मैं आपको कुछ चार मेन रीजंस एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न है नोज कोन। तो ये फ्रंट में कोनिकल सेक्शन लगा हुआ है, ये एयर को डायरेक्ट करता है स्मूथली EDF के अंदर और एरोडायनामिक ड्रैग को मिनिमाइज करता है। बट इस केस में नोज कोन तो एलिमिनेटेड है क्योंकि मैंने इसमें वेंट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि जो मोटर है इसको कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम नोज कोन लगा देते तो इसमें एयर डायरेक्ट नहीं होती, बट इस वेंट्स के थ्रू ये एयर जाती है मोटर के अंदर और मोटर को कूल करता है। तो सेकेंड है सरफेस फिनिश। तो आप देखोगे ये जो 3D प्रिंटेड पार्ट्स होते हैं ये थोड़े से रफ होते हैं क्योंकि ये लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग प्रोसेस से बने होते हैं। तो इसको भी एलिमिनेट करने के काफ़ी तरीके हैं, जैसे एसीटोन क्लीनिंग, सैंडिंग और भी बहुत सारे हैं, मैं आगे यूज़ करूँगा। तो इनकी वजह से जब एयर यहाँ पर ब्लेड्स पर पड़ती है तो एक फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से ड्रैग क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा थ्रस्ट कम हो जाता है। तो थर्ड रीज़न है डिफरेंट मोटर्स। तो ये जो डायनम EDF की मोटर है 2600 kV की है और ये स्पेसिफिक डिज़ाइन है EDF के लिए। तो इसमें हाई RPM तो है, साथ ही साथ इसमें टॉर्क भी अच्छा है। बट जो हमारी ये वाले EDF की जो मोटर है ये 2500 kV की मोटर है, तो ये स्पेसिफिक डिज़ाइन है प्रोपेलर्स के लिए। मतलब इसमें हाई RPM तो है बट इसमें टॉर्क उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको EDF में यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस जो फोर्थ रीज़न है वो है ब्लेड एंगल एंड प्रोफाइल। तो गाइस मैं कितना भी इसको ट्राई कर लूँ इसको एग्जैक्ट रेप्लिकेट करने का, बट मैं विजुअली ऑब्जर्व करके इसको 100% सेम नहीं बना सकता, कहीं ना कहीं तो 19-20 डिफरेंस रह ही जाएगा। तो नो डाउट मैं फ्यूचर में इसको 3D स्कैन करके बनाऊंगा, बट अभी तो मैं विजुअली ऑब्जर्व करके ही बनाना पड़ेगा। तो जो हमारे 3D प्रिंटेड EDF का थ्रस्ट तो इसके कंपैरिजन में कम आया है, बट हम लोग एक चीज़ बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते जो कि है कॉस्ट। तो इस EDF का कॉस्ट है अप्रॉक्स 3300 रुपीज़ और ये हमारे 3D प्रिंटेड EDF का कॉस्ट, हमने इसको परचेस तो करा नहीं है, हम लोगों ने इसको बनाया है। तो आप ऐसे समझिए तो ये इसकी जो मोटर है उसी का कॉस्ट इस पूरे EDF के कॉस्ट से ज़्यादा है। तो गाइज ये काफ़ी मोटिवेटिंग वीडियो था क्योंकि अभी तक का हाईएस्ट थ्रस्ट वाला EDF हमको मिला है। और गाइज जो मैंने चार रीजंस लिस्ट करे हैं उन पर मैं डेफिनेटली वर्क करूंगा और जो नेक्स्ट टाइम वीडियो आएगा वो एक इम्प्रूवमेंट का ही वीडियो होगा। तो अगर आपको कोई सजेशन है इस वीडियो को लेकर या कोई व्यूज़ हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो गाइज मैंने फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप भी इस EDF को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो और आप मेरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो www.themacninja.com काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। और गाइस चैनल के बारे में बताऊं तो इस पर एविएशन, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना आप लोग। सो थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।